इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। सिरसा जिले में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है और इस मामले को सिरसा के ही एक सांदे दैनिक अखबार ने पूरी तरह से प्रमुखता से उठाया है। मैं आपको इस अखबार का नाम बता देता हूं, रामा टाइम्स अखबार है ये, जो काफ़ी लंबे समय से सिरसा में चल रहा है। और इस अखबार में जो आज लीड जो खबर है, मुख्य खबर है, वो सिरसा पुलिस ने किया प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का प्रयास। ये खबर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे। और ये कह सकता हूँ कि आज ये जैसे वाक्य हुआ, इसमें इस तरह से मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी दे दूँ कि CIA सिरसा थाना में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया गया और व्हाट्सएप ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को वहाँ पे निमंत्रण दिया गया कि आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हो जाइए, इस पूरे मामले को लेकर के कवर कीजिए। और मामला ये था कि पुलिस ने दो चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया और प्रेस वार्ता का आयोजन सिरसा के DSP आर्यन चौधरी और इंस्पेक्टर रविंदर सिंह और सिटी थाना के प्रबंधक सुखवीर सिंह ने किया। और इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पे इसी अखबार के संवाददाता पहुँचे, जो वीडियो कैमरा मैन जिसको हम बोलते हैं वो पहुँचे, वीडियो जर्नलिस्ट, और उन्होंने जब इसको कवर करने की प्रयास किया तो वहाँ पे ही पुलिस प्रवक्ता है, उन्होंने उनको बोला कि आपका न्यूज है, अखबार है, आप वीडियो मत बनाइए, और उनको मना कर दिया गया। इस अखबार के मुताबिक, जैसा कि इसमें लिखा गया है, कि सुरजीत सारण ने कवरेज करने से रोक दिया और सब कहा कि तुम यहाँ अपना कैमरा नहीं चला सकते, और ये कहा कि यूट्यूब चैनलों को कवरेज के लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। और इस अखबार में ये भी लिखा हुआ है कि निमंत्रण सोशल मीडिया के जरिए दिया गया था और पुलिस मीडिया ग्रुप सिरसा में भी डाला गया था। सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस प्रवक्ता ने इस उपलब्धि को रिकॉर्ड करने से क्यों रोका। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि सोशल मीडिया से इस तरह से इसका प्रयास किया गया, लेकिन एक सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स को वहाँ पे कवर करने के लिए रोका गया, तो मुद्दा यही है। और ये कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में वेब मीडिया को लेकर के तरह तरह की जो संशय है, शंकाएँ हैं, वो चल रही हैं दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिरसा के वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं और कई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, गुरतन पाल सिंह जी किंगरा। किंगरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मित्र। किंगरा जी, पहला तो मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि क्या यूट्यूब चैनल्स को लेकर के जिस तरह से सिरसा पुलिस का एक जो पहलू मामला सामने आया कि यूट्यूब चैनल्स के एक वीडियोग्राफर को वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दी, उसको कहा कि आप यूट्यूब चैनल से हो और आप यहाँ से चले जाइए, जैसा कि इस अखबार ने भी आज प्रमुखता से छापा गया है, क्या लगता है कि वाकई ही सिरसा पुलिस ने प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का प्रयास किया है, क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, इसके हम पहले तो एक लीगल पहलू की बात करें जी। देश, राज, पुलिस, सरकार कानून से चलती है जी। अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम इस संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान को मानते हैं जी। तो ऐसा तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ तक हम IT एक्ट की बात करें तो उसमें भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते जी। या यूट्यूब चैनल किसी विषय को कवर नहीं कर सकता जी। या यूट्यूब चैनल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकता जी। ऐसा तो कोई मतलब IT एक्ट में तो ऐसा नहीं है जी। रही बात किसी को बुलाने की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बुलाना चाहते हो, किसको नहीं बुलाना चाहते, वो आपका एक निजी विषय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप किसी को बुला रहे हो और बुलाने के बाद उसको कहना, मेरे को नहीं पता ये मामला क्या है, लेकिन जितना आपने बताया कि अगर किसी को हमने इनवाइट कर लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, और इनवाइट करने के बाद हम अगर उसको मना करते हैं या बाहर निकालते हैं या जो भी हुआ वहाँ पे, वो तो वो बताएंगे, लेकिन वो फिर एक तो हम कहें कि एक इंसानी दायरे में भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है जी। और
फिर दूसरी बात यह है कि उस पर्टिकुलर एक आदमी को निकालना जी, और ये कह के निकालना कि यूट्यूब चैनल से हो, तो इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है कि जब बड़े बड़े राजनेता भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और यहां तक कि बड़े मीडिया हाउस हैं, NDTV अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, आज तक अपना चला रहा है, ABP जितने भी हैं वो सब चला रहे हैं, तो या तो वो सभी उस दायरे में आए और उन सभी को दूर किया जाए। अगर उनको दूर नहीं किया जाता और सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को दूर किया जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई उनमें आपसी बात है, ये तो आपको ज़्यादा पता है जी। आपने कहा कि राजनेता यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात भी करें, वो भी अपने काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चाहे सोशल में उस पर फेसबुक पर बात करें, ट्विटर पर करें या यूट्यूब चैनल पर करें, और चाहे बात गृह मंत्री की करें, गृह मंत्री भी अगर आप उनको ट्वीट भी अगर थोड़ी सी जानकारी आप ट्विटर पर दे देते हो तो उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। ऐसा CMO हरियाणा का भी एक पेज बना हुआ है। मेरे कहने का ये उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं हम जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो देश जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सुविधाएं हो रही हैं उसमें आप ये देखो वेब मीडिया को लेकर के, वेब को लेकर के एक बड़ी भूमिका है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक आज ये जो प्रयास पुलिस की ओर से किया गया कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं आप इसको कवर नहीं कर सकते, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक तरह से जो आप कहीं ना कहीं मैनेज मामला जिसको कह सकते हैं कि प्रमोद जी आपका सवाल काफ़ी लंबा हो गया, और इस सवाल को अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांट लें जी तो ये बात तो कहीं इसके ऊपर कोई शंका है ही नहीं जी। कि आज डिजिटल युग है जी। और हर चीज़ डिजिटलाइजेशन उसमें आ चुकी है, उस दायरे में आ चुकी है जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इस, और यहाँ तक कि उनका तो बड़े फख्र से कहना है जी। कि हमने डिजिटल इंडिया का एक उन्होंने स्लोगन भी दिया जी। ठीक है ना। और यहाँ तक YouTube चैनल के बारे में आपने कहा, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब जैसे आज के दिन जितने भी बड़े इशू हुए जी, उनको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो स्थापित मीडिया है जी, एक्का दुक्का चैनलों को छोड़ के बड़े इश्यूज को सभी चैनलों ने दबा के रखने की कोशिश की, चाहे उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए, उनको डर दिखाया जाए, जैसे भी था जी। लेकिन जो बड़े इशू थे उनको उठाया ही यूट्यूब चैनलों ने जी। तो यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन देने के मामले में, लोगों को इन्फॉर्म करने के मामले में, लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने के मामले में यूट्यूब चैनलों की बहुत बड़ी भूमिका है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसकी जैसे आपने एक बहुत अच्छा सुझाव ही कहूँगा, ये कहूँगा कि आप बहुत अच्छी बात कही कि जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो जिन पे पूरा जो मामला फोकस है, तो कहीं ना कहीं वो आप इस बात को मानते हैं कि YouTube चैनल शुरू जैसे न्यूज चैनलों ने किए, YouTube चैनल्स अपने देश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर बहुत यूट्यूब स्टार जिनको कह सकते हैं, जो अपनी अच्छी बातें रखते हैं, न्यूज़ सेंस के भी लोग हों, तो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा दिखते? जरूर बिल्कुल वही बात आती है निकल के जो मैंने पहले आपको कही कि जब बड़े मीडिया हाउसेस मैनेज होने लगे जी, जब जो खबरें हैं वो सेंसर होने लगी जी, और उनकी हिम्मत नहीं हुई जी ऐसे मुद्दों को उठाने की, ऐसी बातें कहने की, तो फिर धीरे धीरे ये एक रास्ता निकल के आया, और अच्छे जो पत्रकार थे, अच्छे लोग थे जिन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इस देश के लोगों तक अपनी बात रखनी चाहिए, उन लोगों ने ये रास्ता निकाला, और ये रास्ता बड़ा कामयाब भी हुआ, लोगों तक सूचनाएं पहुंची भी जी। ठीकरा जी, एक सवाल मेरा ये भी आपसे कि जैसे चलो आज ये मुद्दा है कि एक यूट्यूब कहीं ना कहीं सेंसरशिप की बात जब इस अखबार ने लिखी तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आपसे राय ली जाए, इसको लेकर के चर्चा की जाए। हमारे कुछ साथी हैं जो वेब मीडिया को लेकर के पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, वेब मीडिया को इसमें मान्यता देने की बात करते हैं, उन लोगों के भी पूरे प्रदेश से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि इस पर भी आप फोकस कीजिए इसको लेकर के भी। और मेरा सवाल ये भी आपसे कि पिछले दिनों आप भी काफ़ी एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे, और आपने पुलिस को लेकर के भी कई सवाल उठाए कि सिरसा में नशा बढ़ा है। सिरसा को लेकर के भी सवाल कर लेते हैं कि पंजाब और राजस्थान की सीमा के साथ सटे हुए इस ज़िले में आपको लगता है कि नशा
कम हुआ है बड़ा है, जिस तरह से पुलिस रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है 1 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ रही है, क्या लगता है आपको? किसी पुलिस अधिकारी का नाम लेके बताऊं या वैसे ही बता दूं कि कितने किसने कितने पैसे किस मामले में लिए हैं? जी मैं तो इनसे ऐसा भी नहीं डरता, मैं तो नाम लेके बोल देता हूँ। लेकिन जो पुलिस का रवैया है ना, जो सिरसा में नशा बिक रहा है, मैंने बहुत बार कहा जी, ये सारी की सारी पुलिस की क्रिएशन है, पुलिस की देन है जी। पुलिस के बिना ये हो ही नहीं सकता। पुलिस का अगर शेल्टर ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने मामले पकड़े जाते हैं सारी की सारी स्टोरी झूठी दिखाई जाती है, पकड़ा कहीं से जाता है, दिखाया कहीं जाता है, अफीम पोस्ट स्मैक चिट्टा गोलियां पकड़ी किसी आदमी से जाती हैं, रिकवरी किसी से दिखाई जाती है, सब गालमाल है। और अगर कोई, मैं तो खुला चैलेंज कर देता हूं, हर बार करता हूं कि अगर किसी को ये लगे तो मेरे सामने बैठे 15 मिनट, तो 15 मिनट में इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के दे दूंगा कि किस केस में आपने कितने पैसे लिए हैं। भाई अभी पीछे से एक मामले में अफीम पकड़ी गई थी काफ़ी जी, वो जिस आदमी से पकड़ी गई थी उससे तो पकड़ी दिखाई नहीं इन्होंने, दिखाई किसी और से जी। उस पर तो केवल पैसे दिखा दिए कि इससे तो इतने पैसे मौके पे पकड़े हैं। जिस तरह से आज एक मामला गांव भंगू का आया कि जो पोस्ट के जो हाँ, जो थे अफीम वो, के वो मेरी भी जानकारी में आया था, मेरे पास भी कुछ लोगों का फोन आया था उसमें जी। तो उसमें असल मामला ये था कि जो मेरे को बताया गया जी कि वो कुछ पोस्ट के पौधे इन्होंने पकड़े थे और पौधे के ऊपर केस बनाया है। देखिए वो केस मैं मानता हूँ कि सरासर गलत है जी, क्योंकि इसकी कुछ स्पीसीज हैं, कुछ वैरायटियां हैं जो लोग फूल के लिए अपने घरों में लगा लेते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, आज तो पता नहीं, मैं नेशनल कॉलेज में नहीं गया काफ़ी देर से, लेकिन जब हम नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे बहुत से ऐसे फूलों की वैरायटियाँ हमारे नेशनल कॉलेज के प्रांगण में लगी होती थी जी। और बड़े बड़े पार्कों में जी। लोगों के घरों में ये मिलती थी, क्योंकि वो सिर्फ फूल के लिए थी, उसमें नशा नहीं होता जी। और वो NDPS के दायरे में भी नहीं आती, ये तो सिंपल एक लूट का एक तरीका बनाया गया है कि अगर किसी को, चलो गलती से लोग, जो जैसे पहले ट्रेंड चल रहा था लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, वो फूल अच्छे भी लगते हैं सबको, लगा लिए। या तो आप एक सर्कुलर जारी करके लोगों को ये कह दो कि किसी के घर पे इसका पोपी हस का फूल नहीं मिलेगा, जो उसकी वैरायटी है, जो स्पीसीज फूलों वाली, वो नहीं मिलेगी। और उसके बाद अगर कोई लगाता है तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हाँ किसी ने पोस्ट की खेती की है, वो बिल्कुल NDPS के दायरे में आती है, वो गलत है। लेकिन अगर फूलों का मामला है तो इसमें कोई इतना बड़ा किसी का गुनाह नहीं है जितना उसको बना दिया जाता है। तो कृष्णा जी, आपने पुलिस को लेकर के कुछ बातें कही कि आप अगर 15 मिनट भी सामने चैलेंज करें उसको लेकर के भी। सिरसा पुलिस दावा करती है कि हमने पिछले लंबे समय से सबसे ज़्यादा अधिक जो, हालांकि 2 दिन पहले ही कोई प्रेस नोट में पुलिस की ओर से भेजा हुआ पड़ रहा था कि सबसे इतने अधिनियम के मामले दर्ज किए गए हैं, काफ़ी जो इससे पहले कभी भी दर्ज नहीं हुए वो अब मामले दर्ज हो रहे हैं। मामले दर्ज किए, सब कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे नशा है तभी तो पर्चे दर्ज हो रहे हैं। एक्साइज के कितने पर्चे दर्ज किए हैं इन्होंने बता दो। सट्टा धड़ाधड़ लग रहा है, और मैं कह देता हूं कि सट्टे वाले, खाई वाले और ये जो बुक्की हैं, उनके पैसे पुलिस के आला अधिकारियों के घर तक जाते हैं। और कोई ऐसा आला अधिकारी आके सामने मेरे बात तो करे, मैं बता दूंगा। तो उनके पैसे जब सट्टा खाई वाले जो जब इन बड़े अधिकारियों के घर तक पैसे पहुंचाते हैं, तो वो कितने सट्टा खाई वाले उन्होंने पकड़े भी आज तक, उनमें पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो इसलिए ये जो मामले जो पकड़े गए हैं, इसका मतलब ये तो है कि सिरसा में नशा है, नशा है, और बड़ा अभी पिछले 2.5-3 सालों में है जी। इससे पहले जो अफसर थे जी, उनके समय से शुरू हुआ जी। और मैंने उसी वक्त आवाज उठाई थी जी। और शुरू आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बिल्कुल अनेक बार की, अनेक बार करी जी। और लोगों ने उस वक्त मेरे को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इतनी गालियां दी
कि कोई पुलिस अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। और जब मैं जब बातें खुल के आई तो लोगों को की आंखें खुली, लोगों को पता लगा कि भाई केंगरा सही बोल रहा था। तो मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी उतने ही धड़ल्ले से बिक रहा है, उतना ही पुलिस अधिकारियों का संरक्षण है। बस मामला यह है कि उस वक्त शोर शराबा ज्यादा था, आज शोर शराबा नहीं है, तो चुपचाप हो रहा है पहले। तो क्या इस बार या इस भी इस सिरसा प्रशासन में भी कई है ऐसे अधिकारी? कई कितने? कई नहीं, कितने जी? और मुझे एक भी ऐसा बताओ कि उसका नाम लेके बताओ कि ये ठीक है, फिर मैं बताऊंगा उसका क्या है। तो मैंने तो सीधा कहा कि पिछले दिनों बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ी गई थी, वो एक आदमी के पास से पकड़ी गई थी और उसको छोड़ के दूसरे आदमी को फंसा दिया गया। और एक 376 के मामले में एक आदमी को झूठा फंसाया गया, पहले एक DSP ने तब्दीश की, उसमें उसने उस आदमी को झूठा पाया, उसने मुकदमे में से निकाल दिया जी। बाद में उस आदमी को फिर फंसाना था, क्योंकि फंसाना था तो फंसाना था, बाद में दूसरे DSP की तब्दीश करके उसको फंसा दिया। अब एक DSP जो सीनियर मोस्ट है जी, और उसकी तब्दीश को उससे जूनियर DSP जो कल भर्ती हुआ है वो सुपरसीड कैसे कर सकता है, उसको बाईपास कैसे कर सकता है ना? और फिर उसी DSP की तब्दीश में अगर कोई ठीक है, DSP की तब्दीश के ऊपर कोई ASP करे या SP करे, हमें बात समझ में आती है कि बड़ा अधिकारी ने उससे मतलब बड़े अधिकारी ने तब्दीश की है तो उसमें बात आ गई, ठीक है। लेकिन DSP को DSP वो गलत बता रहा है, दोनों में से कोई तो DSP गलत है ना जी, चलो मैं मान लिया जी। दोनों में से कोई DSP तो गलत है, गलत है। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो मैंने तो पहले वाले जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी लिखित में 10-10 पेज की चिट्ठियां मैंने भेजी हुई हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है भाई उनके खिलाफ कुछ कर सके। तो किंगरा जी, आप भी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, लंबे समय से आप वकालत कर रहे हैं, तो सिरसा में आपके शहर में ऐसा हो रहा है तो क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए इसको लेकर के, जो अधिकारी जो आप कह रहे हैं कि कौन इससे ज्यादा आवाज क्या उठा सकता हूं? कितना बोला हूं मैं बताओ, कोई कहे मैं नहीं बोला। तो मैं तो गोरीवाड़ा चौक पे चौकी के सामने DSP की बाजू पकड़ के मैंने कहा है कि बोल भाई किशोरी लाल जी, नाम लेके बोला हूं मैं तो, कि इस मामले में तेरे पास तब्दीश की पावर थी तो बता दे भाई। DSP किशोरी लाल ऐसा DSP था जिसके पास ना तो NDPS के मामले में ना क्राइम अगेंस्ट वीमेन के मामले में तब्दीश की पावर ही नहीं थी, वो तस्दीक नहीं कर सकता था। डब वाली का क्राइम जो होता था उसकी तस्दीक इलाहाबाद का DSP करता था, ये क्या था? तो जवाब नहीं था किशोरी लाल के पास, तो भाई इससे ज्यादा खुल के उनके मुंह पे कौन, किसी पुलिस वाले की बाजू पकड़ के कोई बोल सकता है क्या? मैंने तो बोला हूं और आज भी बोल दूंगा, मैं किसी से डरता थोड़ा ही हूं। सिरसा पुलिस जो कप्तान की बात करें, हमने कहा कि रैंक बेशक बड़ा हो गया लेकिन जो है काम अभी SP का छमा रहे, उनके नेतृत्व में आपको क्या क्या नेतृत्व है बताओ, क्या नेतृत्व है? जो आपकी पोस्ट है जी, हेडमास्टर का काम हेडमास्टर करेगा, मास्टर का काम मास्टर करेगा, JBT का काम JBT करेगा, ठीक है। ये तो है स्कूल एजुकेशन की बात जी। सिपाही का काम सिपाही करेगा, थानेदार का काम थानेदार करेगा। अब हम थानेदार को कहेंगे कि वो सिपाही का काम करे और चौक पे सीटी लेके खड़ा हो जाए जी, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन क्या उसको करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसकी जिम्मेदारी बड़ी होगी ना, उसको बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जो आदमी प्रमोट होके भी छोटे पद पे बैठा है तो भाई मैं तो नहीं बैठता। अगर मैं प्रमोट होके छोटे पद पे बैठूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ है, यूं कोई नहीं बैठता। तो क्या क्या मानते हैं इसको लेकर के, क्यों आखिर क्यों ऐसा क्यों? क्यों तो आप पत्रकार हो, आप निकालो तो बहुत निकलेंगे, आप निकालने चाहो बहुत निकलेंगे, मैं आपके साथ हूं, निकालो। चलो शुक्रिया बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट किंगरा, और लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, कोई कल भी किसी अन्य इशू के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।